और अब आप लोग आना चाहते हो तो एक ही रास्ता रह गया है, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और आ गया मैं ये बेकरी में, देखो यही है अजनदा हबिया। देखो ऐसे टाइम में ये लोग भेजते हैं कि सब ख़त्म हो गया रहता है, पूरा ख़त्म हो गया है वो सामोली। तो देख रहे हो दोस्तों, इस पैसे पे अरबी में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये पैसा इंडिया में किसी को दे दो तो ताबीज बना के पहन लेगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। तो जी हाँ, जैसे कि काफ़ी भाइयों लोगों के यही ज़्यादातर कमेंट रहता है कि भाई मेरे लिए भी वीज़ा भेजो, हमें भी आना है। तो मैं आप लोगों को परेशानी समझता हूँ। आप लोग देख सकते हो कितने लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि मुझे भी बुला लो, हाउस ड्राइवरी में बुला लो। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि हाउस ड्राइवरी में आने में कितना खर्चा हो जाएगा और कैसे आ पाओगे, और आज के डेट में हाउस ड्राइवरी में आना कितना मुश्किल है, सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिए जरूर, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो चलो बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, रात के 8:30 हो रहा है और मैं इधर आया हूँ ये फिल्टर से पानी भरने। देखो इधर सब सोफ़ा वगैरह लगा है बैठने के लिए, आज बारिश हुआ है तो ये सब गीला हुआ पड़ा है, तो मैं इधर ऐसे इस पे बैठा हूँ। अब पानी भर जाए तो फिर लेके जाना पड़ेगा उतना दूर। ये है वो लाइट जो जल रहा है, वो सुपरमार्केट है, उसके बाद तो मेरा रूम ही है, आप लोग को मालूम है। और ये गली में जाकर चौथा पाँचवा रूम मेरा पुराना रूम है जो मैं पिछले साल रहा करता था। तो देखो दोस्तों, मैंने इतना भरा है, आधा पूरा फुल नहीं भरा क्योंकि उठा कर ले जाने में परेशानी होगा, बहुत ही भारी हो जाएगा 20-25 किलो का, तो इसलिए मैंने इतना ही भरा है आधा। चलो अब लेके चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, रात के 8:52 हो रहा है और बैंक वाली मैडम ने अभी अभी फ़ोन किया है कि अजनदा हबिया ये बेकरी है, तो बेकरी में जाके दो रोटी और दो सैंडविच वाला केक सामोली लेकर आना है, वही मैं अब निकल रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, 9:06 हो रहा है और आ गया मैं ये बेकरी में, देखो यही है अजनदा हबिया बेकरी जो कि ये पुल के पास में है। देखो ऐसे टाइम में ये लोग भेजते हैं कि सब ख़त्म हो गया रहता है, पूरा ख़त्म हो गया है वो सामोली रोटी। ये वाला रोटी तो है और ये बड़ा वाला खबूस, और सामोली नहीं है। हाँ तो दोस्तों, वो छोटा वाला ही समोली ले लिया मैं, बोली थी मैडम, मैंने फ़ोटो भेजा था, देखो ये मार्केट से। चलो पहुंचा देता हूँ कपिल के घर पे। तो देख रहे हो दोस्तों, इधर 5 पैसा और 10 पैसे का भी सिक्का आ गया सऊदी में, तो मैं 5 रियल दिया था तो ये मुझे 25 पैसा और ये 10, 5 कितना हुआ, 30-40 पैसा लौटाए हैं मुझे, 80 पैसे, 4 रियाल 80 पैसे का हिसाब हुआ है। देखो तो देख रहे हो दोस्तों, इस पैसे पे अरबी में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये पैसा इंडिया में किसी को दे दो तो ताबीज बना के पहन लेगा कि ताबीज बन गया, इस पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हाँ तो दोस्तों, 9:25 हो रहा है, मैंने दे दिया वो सैंडविच वाला केक सामोली और रोटी, और पैसे भी ले लिया मैं, और जो पेट्रोल डलवाया था उसका पैसा भी ले लिया। The next day. तो दोस्तों, 7:52 हो रहा है और कफिल की वाइफ और वो हॉस्पिटल वाली मैडम, वो दोनों बैठ के वो गली में एक घर में आई है लोग, बाकी मुझे भेजिए लोग कि ये शिमला मिर्च खरीदना है, तो शिमला मिर्च खरीदने मैं इधर आया हूँ। तो देखो दोस्तों, ये है वो सब शिमला मिर्च, पीला लाल हरा, ये 5 पीस है 10 रियाल का,
और ये 5 पीस है 5 रियाल का। हाँ तो दोस्तों, उसको सिर्फ लाल वाला चाहिए, जो ये लाल है। एक है मगर वो थोड़ा गला पीला है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, जा रहा हूँ दूसरे जगह। हाँ तो दोस्तों, एक दूसरे खुदरे में भी आया था मैं, तो सिर्फ लाल वाला कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मुसक्कल मतलब मिक्स मिल रहा है। हाँ तो दोस्तों, वो सारा रोड देख लिया मैं, उधर सिर्फ दो ही खुदरे का दुकान था, सब्जी का दुकान। तो ये दूसरे रोड पे आया हूँ मैं, तो एक सामने उधर है, उधर जाके देख लेता हूँ मैं। गाड़ी मैंने यहाँ खड़ा किया है मस्जिद के पास। हाँ तो दोस्तों, इसमें है देखो सिर्फ लाल लाल। तो दोस्तों, ये मैंने फोटो भेजा कि 4 पीस 10 रियाल का है, तो बोलती है मत लो, आ जाओ, इतना दौड़ाई फिर बोलती है नहीं चाहिए। ये लोग भी ऐसे मुसक्कल में डाल के 4-4 पीस ही 10 रियाल का बेचते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो, इतना परेशान तो अपने घर वाले नहीं करते हैं, जो इंडिया में हैं, जिन्होंने पैदा किया है वो इतना परेशान नहीं करते हैं कि यहाँ भाग वहाँ भाग, ये ला ये मत ला, तो महंगा है तो छोड़ दे, दौड़ते रहें। अब नौकरी हम लोग करते हैं, सैलरी लेते हैं, तो ये सब सहना पड़ता है। देखो 4-5 खुदरे में मैं ढूंढा, वहाँ पे भी सब सेम ही रेट है, 10 रियाल 5 रियाल का वो हरा वाला मिलेगा, बाकी लाल पीला लोगे तो महंगा मिलेगा ही। तो अब बोल रही है नहीं चाहिए, लाल है सस्ता, पता नहीं कहाँ से सस्ता लाएगी। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी इसीलिए खड़ा किया था क्योंकि यहाँ से ये जाके राइट लेकर वो लोग उधर ही अंदर एक मकान में घुसी है लोग, तो वो लोग बोली है रुकने के लिए, तो 1 घंटा बोली है लोग, बाकी 20 मिनट तो मुझे ऐसे ही दौड़ाने में लगा दिल। तब जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा जहाँ पे वो लोग अंदर घुसी है लोग। हाँ तो दोस्तों, 8:28 हो रहा है, मैं आके इधर खड़ा हो गया था। अभी अभी मैडम फ़ोन की है कि मेरा खलास हो गया, मैं बाहर आ रही हूँ। देखो ये वाला गेट है, वो तो बाहर आ रही है, अब देखो कहाँ जाती है। अभी 2 मिठाई लेकर आए थे, 1 मिठाई इधर लेकर गए हैं और 1 मिठाई बाकी है, तो हो सकता है कहीं और जाए। हाँ तो दोस्तों, 8:41 हो रहा है, वो दोनों आ गई अपने घर पे, और वो दूसरा वाला मिठाई लेकर गई थी लोग, पता नहीं क्यों वो एक वापस लेकर आ गई, एक ही मिठाई लेकर अंदर गई थी लोग और 1 मिठाई वापस लाकर अपने घर पे लेकर चली गई लोग। बाकी मेरा ड्यूटी ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ रूम पे। तो दोस्तों देखो, ये दूसरा बिजनेस चालू कर दिए हैं हमारे रूम पार्टनर, एसी खरीद खरीद कर बेचना फ़ायदे में, एसी दबाव, स्कूटर, स्कूटी। तो दोस्तों, कि जैसे कि आप लोगों ने कुछ वीडियो देखा आप लोगों ने शुरू में, मैंने इसलिए आप लोगों को ये वीडियो दिखाया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे हाउस ड्राइवरी में आने पे क्या क्या काम करना होता है। बाकी अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना खर्चा आएगा, कैसे आ सकते हो और क्या मुश्किल हो सकता है अभी आने में। मुझे मालूम है इंडिया में काम उतना नहीं है, तो काफ़ी भाई लोग परेशान हैं, वो सोचते हैं कि कोई भी काम में हाउस ड्राइवरी में ही सऊदी एक बार हम लोग चले जाएं, वहां पे जाके अच्छा खासा सेटल हो जाए। तो दोस्तों देखो, अब सऊदी का भी पहले जैसा अब नहीं रह गया है, 2017 में इधर रूल आया था कि लेडीज लोग भी गाड़ी चला सकती है लोग। रूल आने के बाद भी कुछ सालों तक, 1-2 सालों तक कोई उतना नहीं चलाता था गाड़ी। यहाँ पे अगर 1 लाख घर था तो समझो कि 50,000-60,000 ड्राइवर रहते थे, हर घर में एक ड्राइवर रहता था। नहीं रहते थे अगर ड्राइवर तो टैक्सी के साथ जाती थी लोग, मैडम लोग, क्योंकि वो लोग तो गाड़ी चला नहीं सकती थी लोग, चलाना इधर मंगनू था, तो लाजिम उन लोगों को ड्राइवर चाहिए। और जो उन लोगों का हस्बैंड रहते थे वो काम धाम छोड़ के, तो ये तो नहीं मैडम को लेकर इधर उधर घूमेंगे, तो इसीलिए ड्राइवर रखा करते थे 2017 से पहले, और 17 के बाद भी कुछ लोग थे। मगर आप लोगों ने देखा कि 2020 में कोरोना आया था, कोरोना पूरे दुनिया में आया था, सिर्फ इंडिया में ही नहीं आया था, और कोरोना के बाद इंडिया का भी बहुत ही बुरा हाल हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पे भी वही हालात हुआ, यहाँ पे भी बहुत लोगों का नौकरी चला गया। अब क्योंकि ड्राइवर लोग जाते थे उधर छुट्टी, आ नहीं पाते थे, तो मैडम क्या करती थी लोग, गाड़ी चलाना सीख ली और गाड़ी चलाने लगी, फिर वो ड्राइवर का खुरुज मार दी, बुलाई नहीं वापस,
ऐसे कई ड्राइवरों के साथ हुआ। अब पहले क्या था, बहुत सारे ड्राइवर रहते थे, तो हम लोग कहीं पे भी जाते थे, ग्रैंड मॉल में, गार्डन मॉल में, किसी भी मॉल में जाते थे, वहाँ पे 100-150 ड्राइवर ऑलरेडी खड़े रहते थे, बातें किया करते थे, उसी में हम भी जाकर अपना बातें वगैरह करते थे। तो बातें करते करते किसी से पूछ लिए, भाई मुझे किसी को बुलाना है, मेरा रिश्तेदार है, कोई वीजा वगैरह हो तो बताना। तो वहीं पे पता चल जाता था कि वीजा है वीजा नहीं। और ऐसे पहले बहुत ही ज्यादा वीजा मिलता था, क्योंकि हर घर में एक ड्राइवर तो चाहिए था, क्योंकि मैडम इधर उधर जाएगी, मदरसा जाएगी, कॉलेज जाएगी, तो ड्राइवर रहना जरूरी था। अब जैसे कि मेरा ही पुराना वीडियो देखोगे, मैं मैडम को कॉलेज छोड़ता था, बैंक में छोड़ता था, और अब सिर्फ हॉस्पिटल वाली मैडम का काम रह गया है, उसी का मैं काम करता हूँ। बैंक वाली मैडम गाड़ी चलाने लगी है और कॉलेज वाली मैडम भी गाड़ी चलाने लगी है, तो वो दोनों तो अपना गाड़ी से जाती है लोग, तो ये तो काम खत्म हो गया। अब सोचो इन दोनों के घर पे एक ड्राइवर रहता, दो ड्राइवर रहता, तो दो ड्राइवरों की नौकरी तो ऐसे ही खत्म हो गया। और अभी जो हॉस्पिटल वाली मैडम इधर है, अगर ये हॉस्पिटल का काम भी खत्म हो गया तो मेरा भी काम यहाँ पे कोई रह नहीं जाएगा। कफिल बोल देगा कि या तो तू जा या फिर कहीं और देख ले। तो ऐसे ही पहले बहुत ही ज्यादा वीजा मिलता था लोगों के जरिए और काम भी रहता था। और अब देख रहे हो, अब सारी लेडीज लोग गाड़ी चलाने लगी है, लोग तो ड्राइवर की क्या जरूरत रह गई इन लोगों का। अब काम वहीं पे रह गया, जैसे कि इंडिया में कोई अमीर लोग नहीं रहते हैं जो ड्राइवर रखते हैं, जो गरीब मिडिल क्लास रहते हैं वो किधर ड्राइवर रखते हैं। अब पहले क्या था, लेडीज लोग गाड़ी नहीं चलाती थी, तो मजबूरी में मिडिल क्लास वाले लोग को भी यहाँ पे ड्राइवर रखना पड़ता था, और जो गरीब रहती थी लोग वो टैक्सी से जाती थी लोग, वो टैक्सी का काम भी इंडियन ड्राइवर लोग ही अपना गाड़ी लेकर काम किया करते थे। तो काम बहुत ही था पहले, और अब खुद मैडम गाड़ी चलाने लगी है लोग, तो काम उतना रह नहीं गया और वीजा उतना मिल नहीं रहा है। वीजा वही जो अमीर लोग है वो लोग भेज देते हैं मकतब में, मकतब मतलब ऑफिस में, दिल्ली के ऑफिस, मुंबई के ऑफिस, लखनऊ के ऑफिस, केरला के ऑफिस, ऐसे ऑफिसों में वो लोग भेज देते हैं। तो अभी तो यहाँ पे जो आदमी है उनको तो वीजा ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो कि भाई वीजा ढूंढ के हमें भी भेजो, तो आप देखते हो कि मैं किधर जाता हूँ, रूम में पड़ा रहता हूँ, दो तीन दोस्त हैं उनसे भी मैं अगर बोलूंगा तो वो लोग भी, उन लोगों का भी ऐसी काम है। अब पहले जैसा काम नहीं रहेगा, ये भी लोग ज्यादा मॉल वगैरह में जाती नहीं है लोग, जाती है लोग भी तो अपने गाड़ी से चली जाती है लोग, और वहाँ पे कोई मिलता भी नहीं है कि जिसको जानकारी हो कि वीजा हो। अब आना है तो वही अपना ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाओगे वहां से काम करवाओगे, तो वो लोग 80,000 से 90,000 1,00,000 तक भी पैसे ले सकते हैं ये हाउस ड्राइवरी के लिए। हाउस ड्राइवरी में आओगे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में साइन होगा कि 1500 पगार मिलेगा, 1400 पगार मिलेगा, यहाँ पे आने के बाद कफील बदल जाए, धमकी देने लग जाए कि तुझे करना है कर, 1200 में करना है कर, 1000 में करना है कर। तो यहाँ पे एक बार रूल है, एक बार इधर आ गए तो 2 साल रहना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए 2 साल से पहले जाने नहीं देंगे। अगर जाना चाहोगे तो अपना पैसे भर के जाओ, फिर से 1,00,000-1.5 लाख रुपया यहाँ देना पड़ता है जाने के लिए। बाकी आप लोगों को हाउस ड्राइवरी में सऊदी आना है, भाई मेरे पास उतना क्या एक भी वीजा मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद वीजा मिलता तो मैं यहाँ से जाके किसी दूसरे जगह नहीं आ जाता, यहाँ पे मैं क्यों परेशानी झेलता मजबूरी में, यहाँ पे मैं दोबारा आया परेशानी झेलने के लिए। अब वीजा मिल रहा है तो वही अपना ऑफिस में जाना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, और एजेंट को अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा, और 1.5 लाख वो रुपया लेगा, मेडिकल करवाएगा, टिकट करवाएगा, वो आप लोगों को फैमिली ड्राइवर में भेज देगा। यही एक तरीका है अभी 2023 में हाउस ड्राइवरी में आने का। ऐसे आप लोग किसी से वीजा मांगोगे तो आप किसी को भी वीजा नहीं मिल रहा, क्योंकि देख रहे हो कोरोना के बाद जब उतना बड़ा इंडिया का हालात खराब है तो ये छोटा देश इसका भी तो हालात खराब होगा, ये लोग भी तो गरीब हो गए, ये लोग भी अब ड्राइवर का सैलरी नहीं दे सकते, खुद काम कर रहे हैं, खुद अपना गाड़ी से जा रहे हैं और खुद पैसा अब ये लोग भी बचाने लगे हैं। पहले का माहौल अलग था, पहले क्या था, मेरा दुकान था तो 100-150 सऊदी आते थे, तो उसमें से 10-20 खुद ही बोलते थे कि मुझे ड्राइवर चाहिए, वीजा है मेरे पास, तो ऐसे मिल जाता था। मेरे अबू को बहुत सारा वीजा मिलता था, मेरे अबू यहाँ पे करीब 300-400 लोगों को वीजा देके बुलाए हैं। तो पहले का जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है। और अब आप लोग आना चाहते हो तो एक ही रास्ता रह गया है, वही एजेंट का, वो एजेंट के पास से ही आप लोग आ सकते हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, आप लोगों को कैसा लगा, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए,
ऐसे ही मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ सऊदी का, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा दबाए रखोगे तो। तो चलो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे हाउस ड्राइवरी में काम करने में क्या फायदे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, वस्सलाम, टेक केयर।